हेलो ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे बास्केटबॉल की यूरो लीग में खेले जाने वाले जेनिट वर्सेस बार्सिलोना के मैच के बारे में। तो सीधा बात करते हैं टीम प्रीव्यू का। तो पॉइंट गार्ड सेक्शन में आपको दिखेंगे के पांगोज एंड कैलेथेस। तो आपके लिए ये दो ही बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो। तो आपको बिना सोच के ये दोनों के साथ ही जाना है, क्योंकि जो नीचे वाले प्लेयर हैं वो अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर रहे। तो पॉइंट गार्ड सेक्शन में के पांगोज और एन कैलेथेस। अगर आप शूटिंग गार्ड सेक्शन की बात करोगे तो ए अब्रिंस को आपको लेना ही है। स्मॉल लीग खेलो या ग्रैंड लीग खेलो, आपको इसको दोनों टीमें में पिक करना ही है। आप इसको अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो एसपी या पीपी आपके दो तीन टीमों में भी रख सकते हो, क्योंकि ये पूरा सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है अब्रिंस के लिए। तो अब्रिंस को आपको टीम में लेना ही है। उसके बाद में आप देखोगे तो केसी रिवर्स को आपको लेना है। जेनिट की तरफ से दो ही टॉप प्लेयर है जो फर्स्ट हमने लिया पॉइंट गार्ड सेक्शन में के पांगोज, और शूटिंग गार्ड सेक्शन में हम लोग को लेना है केसी रिवर्स। बाद में हम लोग देखेंगे स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन। स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन में आपको देखेंगे सी एगेंस ए अंगा एम पॉनिट का ए होलिंस। तो ए होलिंस और सी एगेंस दोनों ही अपनों टीमों के लिए स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बार्सिलोना के सामने कोई भी टीम हो बहुत स्ट्रगल करती है पॉइंट स्कोर करना, इसलिए मैं सी एगेंस का जा रहा हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे पावर फॉरवर्ड सेक्शन में आपको यूरो लीग का जो है कि बाप प्लेयर हम लोग बोलते हैं निक मिरोटिक को ही लेना है। बाकी सारों को आप इग्नोर कर सकते हो स्मॉल लीग में। अगर ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो आप, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। लेकिन अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो बिना सोचे समझे पावर फॉरवर्ड में आपको यही लेना है, और आपका ये डिफ़ॉल्ट कॉमन एसपी चॉइस होगा ये मैच के लिए। तो मैं पावर फॉरवर्ड सेक्शन में निक मिरोटिक के साथ जा रहा हूँ। सेंटर सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ए पोइत्रस है, ए गिडियटिस है और बी डेविस है। तो सेंटर सेक्शन में ये तीन बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, तो आप किसी के भी साथ जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मेरे टीम में मैं ले रहा हूँ ए पोइत्रस और बी डेविस के साथ। बी डेविस याद रखना अपने टीम के लिए स्टार्ट नहीं करता है। ए गिडियटिस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टार्ट करते हुए दिखेगा। अगर ए पोइत्रस स्टार्ट नहीं करता है तो ए गिडियटिस स्टार्ट करेगा। तो आपको ए गेटिस या ए पोइतेस आप किसी को भी ले सकते हो या दोनों को भी ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ए गेटिस को अपने टीम में नहीं ले रहा हूँ, मैं बी डेविस को ले रहा हूँ। तो ये कुछ रहेगा मेरा टीम का प्रीव्यू। एसपी और पीपी चॉइस के लिए आपको बता रहा हूँ स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग के लिए आपको इसको ही एसपी करना है निकोला मिरोटिक को। तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हो तो आप निकोला कैलेथेस के साथ जा सकते हो, ए अब्रिंस के साथ जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे ये तीन ही बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। तो ये रहेगी मेरी प्रोबेबल टीम बिफोर लाइनअप। तो मेरी बात याद रखना, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि क्या होता है लाइनअप जब आता है कुछ कुछ प्लेयर इंजर हो जाते हैं, कोई कोई जब स्टार्ट करने वाला प्लेयर रहता है वो बेंच से आता है, मतलब वो स्टार्ट नहीं करता है। तो ये आपके गाइडेंस के लिए मैंने आपको डिटेल देने के लिए टीम बनाई है। तो ये मेरी प्रोबेबल टीम होगी, ठीक है। अगर लाइनअप में कुछ चेंजेस होता है तो आप मैं ग्रुप में बता दूंगा टेलीग्राम के। लेकिन अगर आपको मेरे टीम से खेलना है, फाइनल टीम से खेलना है, तो आप मुझे टेलीग्राम को मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपको मुझे टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। तो आप मुझे टेलीग्राम पर अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, @DreamElevenPrimeWinning सबको सर्च करना होगा। अगर आप टेलीग्राम के मेरे चैनल को जुड़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ सर्च करना होगा DreamElevenWinningTeams ऑल स्पोर्ट्स करके, और उसके बाद आप मेरे चैनल में जुड़ जाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कल के वीडियो के लिए। धन्यवाद।